नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों फिल्म जुग जुग जियो के बारे में आज का वीडियो है कि जुग जुग जियो ने अपने सिक्स डे पे कितना कलेक्शन किया, यानी थर्सडे को कितना कलेक्शन किया और बुधवार का इसका जो एक्यूरेट कलेक्शन आया था वो कितना रहा, फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना हो गया है, फिल्म से क्या उम्मीदें शेष रह जाती है, क्या फिल्म फ्लॉप हो चुकी है या फ्लॉप होने की ओर अग्रसर है, या फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं, फिल्म जुग जुग जियो ने जो अपना पहला दिन था वहां पे डिसेंट ओपनिंग ली थी करीब 9.28 करोड़ रुपीज की, लेकिन ये डिसेंट थी केवल, अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक फिल्म जिसका बजट 100 करोड़ रुपए है और जिसको 3,375 स्क्रीन्स मिले हो, उस फिल्म से कम 15 से 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन इतनी ओपनिंग फिल्म को नहीं मिली थी। लेकिन इसके बावजूद सेकेंड डे शनिवार को फिल्म ने अपने कलेक्शन में ग्रोथ दिखाई और 12.55 करोड़ रुपीज का कलेक्शन किया, तो लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि शायद ये फिल्म अच्छा करेगी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो सकती है। और इस उम्मीद को और बल मिल गया जब संडे को फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और संडे को फिल्म का कलेक्शन करीब 15.1 करोड़ रुपीज रहा, तो लोगों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है, ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिल्म का जो असली टेस्ट होता है, जो असली खेल शुरू होता है, वो होता है मंडे को। मंडे को फिल्म काफी कम कलेक्शन किया, मंडे को फिल्म के कलेक्शन में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला और करीब 4.81 करोड़ रुपीज के आसपास मंडे को इस फिल्म का कलेक्शन रहा। जहां तक कल की बात करें तो कल फिल्म के कलेक्शन में और मतलब गिरावट देखने को मिली और कल फिल्म का नेट कलेक्शन रहा मात्र 4.52 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों फिल्म के शोज भी करीब, मुंबई की बात करो, मुंबई में करीब 150 शोज फिल्म के कम हो चुके हैं, वहीं पूरे देश भर से फिल्म के शोज कम किए जा रहे हैं क्योंकि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। केवल मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लेक्सेज में फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है, बाकी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तथा जो इंटीरियर्स है वहां से फिल्म की रिपोर्ट बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं रही है। तो दोस्तों जहां तक बात करें कल की, तो कल फिल्म का कलेक्शन मात्र 4 करोड़ रुपए रहा है, पूरे देश भर से जो इंडियन नेट कलेक्शन आ रहा है वो करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसमें 5-10 लाख रुपए का कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि एक्यूरेट फिगर अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस फिल्म का जो प्रथम 6 दिनों का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है वो हो गया 50.20 करोड़ रुपीज के आसपास। तो दोस्तों ये कलेक्शन ठीक ठाक जरूर कहा जा सकता है, देखने में ये कलेक्शन अच्छा लगता है कि अभी 6 दिन में फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ रुपीज हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए है और अब फिल्म का कलेक्शन जिस तरह से गिर रहा है तो अब फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ होने की कोई उम्मीदें बाकी बचती नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि शुक्रवार को यानी कि कल 2 और फिल्में रिलीज हो रही है, जिसमें एक ओम जिसमें आदित्य राय कपूर है, एक्शन थ्रिलर मूवी है, 1500 स्क्रीन्स पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और फिल्म आर माधवन की जबरदस्त फिल्म रॉकेटरी द नाम भी कल रिलीज हो रही है, वो भी कुछ संख्या में स्क्रीन जरूर लेगी। तो उन दोनों फिल्मों के रिलीज होने से भी सीधा सीधा असर जो आपकी फिल्म है जुग जुग जियो इसके कलेक्शन पे पड़ने वाला है, तो कल कलेक्शन में और ड्रॉप देखा जाएगा। फिर शनिवार और रविवार को थोड़ा बहुत कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं होगा कि फिल्म को हिट होने की ओर ले जाए। उसके बाद में दोस्तों आप जानते हैं कि फिर से मंडे को कलेक्शन में लगातार गिरावट होती है तो फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब लगता नहीं कि ये फिल्म अपना बजट कवर कर पाएगी, किसी भी हालत में ये नहीं लगता है कि फिल्म अपना बजट कवर कर पाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये फिल्म मेरे हिसाब से 72-75 करोड़ रुपए तक का अपना लाइफ टाइम इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है, आज के हिसाब से तो ये लग रहा है, क्योंकि जो कल की जो थिएटर ऑक्यूपेंसी थी वो करीब 9% के आसपास इस फिल्म की रही है और जिस प्रकार से फिल्म के शोज लगातार कम किए जा रहे हैं तो उससे तो ये लग रहा है कि ये फिल्म डेफिनेटली फ्लॉप होने वाली है, किसी भी हालत में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो नहीं होगी। जिस प्रकार से शुरुआती 3 दिनों के बाद में ये प्रचारित किया गया, ये कहा गया कि फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, ब्लॉकबस्टर होने वाली है, बहुत अच्छी फिल्म है, कई क्रिटिक्स ने फिल्म को 4 स्टार 4.5 स्टार रेटिंग दी, तो उससे जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, जिस प्रकार से एक ऐसा माहौल, ऐसा एक बज, ऐसी एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई कि बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, माइंड ब्लोइंग फिल्म है, सुपर फिल्म है, वैसा कुछ था नहीं। दरअसल दोस्तों ये एक एवरेज फिल्म है, ठीक ठाक फिल्म है जिसे एक बार देखा जा सकता है, बाकी फिल्म में ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि ये फिल्म सभी को आकर्षित करे, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आए। अगर ये फिल्म इतनी अच्छी होती तो सोमवार को इसके कलेक्शन में इतना बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, इसके शोज रिड्यूस नहीं होते और फिल्म का कलेक्शन में सुधार आता,
फिल्म के सोमवार के कलेक्शन से डिसाइड होता है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो सोमवार को लगातार फिल्म का कलेक्शन गिरा, मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन ड्रॉप हुआ, बुधवार को फिल्म का कलेक्शन ड्रॉप हुआ और आज भी फिल्म का कलेक्शन ड्रॉप होगा। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि इस फिल्म का भविष्य अब लगभग तय हो गया है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होनी हुई फ्लॉप साबित होने वाली है और बॉलीवुड की जो ज्यादातर फिल्में इस वर्ष फ्लॉप हुई है उसी लिस्ट में ये फिल्म भी अपना नाम लिखवाने वाली है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपने अगर जुग जुग जो देखी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।